तार को लेकर सियासी गलियारों में फिर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के खाली पदों को भरने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। सूबे के सीनियर नेता भी नए दायित्व की उम्मीद लगाए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर सूबे में कैसे हो रही है सियासत, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। फिलहाल सरकार में 7 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री के पद भी खाली हैं। सतपाल महाराज के पास लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति और सिंचाई समेत 10 विभाग हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के पास शहरी विकास, आवास और शिक्षा समेत 7 विभाग। धन सिंह रावत के पास बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा समेत 4 विभाग। गणेश जोशी के पास कृषि, ग्रामीण विकास समेत 9 विभाग। सुबोध उनियाल के पास वन समेत 4 विभाग। सौरभ बहुगुणा के पास पशुपालन डेयरी समेत 6 विभाग और रेखा आर्य के पास महिला एवं बाल विकास समेत 4 विभाग हैं। इस लिहाज से कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। सीएम धामी लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने में लगे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल से भी मुलाकात की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। तो वहीं कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी है। भाजपा के अंदर इतना अंतर विरोध है, ये पूरी केंद्र के रिमोट से चल रही है। भाजपा के अंदर अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है और उनके ऊपर ही तानाशाही करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी अपनी कैबिनेट की अनदेखी करके स्वयं ही सारे कार्य को अपने हाथ से संपन्न करने में विश्वास रखते हैं, इसी तरह से धामी सरकार में भी यही सब चल रहा है। प्रशासन पे धामी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं और अपनी इस तानाशाही पूर्ण रवैये में उलझकर कैबिनेट के विस्तार के बाद निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कांग्रेस की इस भविष्यवाणी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता ने पार्टी को अपना घर संभालने की सलाह दी है। आशीष गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हैं, ये बीजेपी का अंदरूनी मुद्दा है और पद विस्तार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मुद्दा है, वो रूटीन है। हमारे एक मंत्री का देहांत हुआ और पुराने भी हमारे अभी कुछ मंत्री के पद खाली हैं, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो सरकार में स्वाभाविक रूप से मंत्री नए आते हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग तो हमेशा टपके के इंतजार में रहते हैं, अपना घर संभलता नहीं। आज ना सत्ता में है, ना इनके अपने विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन उन विधायकों के भी गाय बाहे भाजपा में जाने की चर्चाएं चलती रहती हैं। अपने नेताओं में एक केंद्र की राजनीति करता है, दूसरे प्रदेश की राजनीति करते हैं और एक दूसरे की इतनी टांग खिंचाई करते हैं कि जनता में ये हंसी के पात्र बन गए। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि नए दायित्व की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट विस्तार से बीजेपी की आपसी गुटबाजी उभर कर सामने आएगी या फिर सीएम धामी के फैसले से सब सहमत होंगे। अनादि टीवी के लिए काशीपुर से।